हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 4। और आज की वर्कशीट जो है ना, वो गणित की वर्कशीट तो है ही, लेकिन उसमें हमें तरह तरह की पहेलियां दी हुई हैं। यानी हम गणित में आज पहेलियां हल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को गोले में इस प्रकार रखें कि सभी सीधी रेखाओं का जोड़ एक जैसा हो। यानी ये जो नंबर्स हैं, हमें इन गोलों में इस ढंग से अरेंज करने हैं कि चाहे हम ऐसे जोड़ें, चाहे ऐसे जोड़ें, चाहे ऐसे जोड़ें, हर बार जो टोटल है, सम जो है, वो सेम आना चाहिए, उनका जोड़ एक जैसा रहना चाहिए। तो शुरू करें। तो हम शुरू करेंगे सबसे बड़ी संख्या से। तो सबसे बड़ी संख्या जो है हमारी, वो है यहाँ पर 7। तो यहाँ हमने 7 लिख दिया। फिर दूसरा है 6, वो ले लिया। अब ले लेते हैं 5। अब किसको लें हम? अब बचा हमारे पास 4, 3, 2, 1। तो अब यहाँ पे ले लेते हैं 4, 3, 2 और 1 को बिठा देंगे हम यहाँ। अब ध्यान से देखें कि इनका जोड़ कितना आ रहा है। अब यहाँ 2 और 1, 3, 3 और 7, यहाँ आ गया 10। 6 और 1, 7, 7, 3, ये भी 10 हो गया। 5 और 1, 6, 6, 4, 10। यानी हर ढंग से हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो 10 आ रहा है ना मज़ेदार। अब देखें आगे क्या है। ओ, आगे तो गुब्बारों का खेल है। और क्या खेल है गुब्बारों का, ज़रा ये भी ध्यान से देखते हैं। यदि नीचे दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तर में किसी एक गुब्बारे में वह संख्या शामिल होगी तो वह गुब्बारा उड़ जाएगा। यानी यहाँ पे जो हमें दिए हुए हैं ये ऑप्शन, इनमें जो जो संख्या आती जाएगी उसे हम यहाँ से उड़ाते जाएंगे, क्रॉस करते जाएंगे। तो शुरू करें खेल ये वाला। अब यहाँ पर है संख्या 9 के गुणज वाले गुब्बारे, यानी 9 के पहाड़े में जो जो आते हैं। वर्ग संख्या के गुब्बारे, यानी संख्या को संख्या से गुणा करने पर जो उत्तर आ रहा है। और अभाज्य संख्या वाले गुब्बारे, यानी जो सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं, किसी और के पहाड़े में आते ही नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं 18 से। अब ये है 18। 18 किसके पहाड़े में आता है? 9 के। तो हम 18 को लिख लेते हैं यहाँ पर और इसे उड़ा दिया, यानी ये क्रॉस कर दिया हमने, उड़ गया ये गुब्बारा। अगला नंबर है 4। 4 है हमारी वर्ग संख्या, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें 4 मिल जाता है। तो 4 को लिखा यहाँ पर और इसे भी उड़ा दिया। फिर है 13। 13 किसके पहाड़े में आता है? 13 13 तो 1 के पहाड़े में और या सिर्फ अपने पहाड़े में आता है। तो ये हो गई अभाज्य संख्या, इसको लिखा यहाँ और इसको भी उड़ा दिया। अगली संख्या है 3। 3 किसके पहाड़े में आता है, जल्दी बताओ? वो तो 3 के ही पहाड़े में आता है। यानी ये भी हमारी अभाज्य संख्या हो गई और इसे भी उड़ा देते हैं। अब आ रही आई 26 की। 26 क्या 9 के पहाड़े में आता है? नहीं। कोई वर्ग संख्या है ये? नहीं। और किस किस के पहाड़े में आता है? 26 2 के पहाड़े में आता है, 13 के पहाड़े में आता है। यानी अभाज्य संख्या तो है नहीं, तो इसे तो हम नहीं उड़ा सकते। 63 को देखें। 63 किसके पहाड़े में आएगा? 9 के पहाड़े में। तो 63 हम यहाँ लिख लेते हैं और इसे उड़ा देते हैं। फिर बारी आई 64 की। 64 है हमारी वर्ग संख्या, क्योंकि 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 मिलेगा, आप इसे भी उड़ा दो। 45 जल्दी से बताओ किसके पहाड़े में आएगा? 9 के पहाड़े में। तो 45 को लिख लिया यहाँ और इसे उड़ा दिया। 16 16 है हमारी वर्ग संख्या, क्योंकि 4 चौक 16, 4 को 4 से गुणा किया, इसे भी उड़ा दिया। 17 17 9 के पहाड़े में आता है? नहीं। वर्ग संख्या है? नहीं। 17 किसके पहाड़े में आता है? सिर्फ अपने पहाड़े में। यानी ये हो गई अभाज्य संख्या, इसको भी उड़ा दिया। ऐसे ही 7 भी जो है वो सिर्फ अपने पहाड़े में आता है, तो ये भी अभाज्य संख्या हो गई, इसे भी उड़ा दो। 25 25 को देखो। 5 पंजे 25, यानी वर्ग संख्या हो गई, 5 को 5 से गुणा कर रहे हैं हम, तो 25 को भी उड़ा दिया। फिर आया 54 54 हमें पता है वो हमारे 9 के पहाड़े में आता है, इसे भी उड़ा दिया। फिर 99 भी 9 के पहाड़े में आता है। आप कहोगे 9 के पहाड़े में 9 धाम 90, उसके बाद क्या आता है? 9 को 11 से गुणा करोगे तो 99 आएगा ना। तो यानी जो 99 है वो भी हमारे 9 के गुणज में आ जाएगा, यहाँ पर
इसे भी हमने उड़ा दिया हमने सब गुब्बारे। कौन सा गुब्बारा बचा है जल्दी देख के बताओ। शाबाश, जो हमारा 26 नंबर वाला गुब्बारा है वो बच गया। है ना मज़ेदार खेल। हमने 9 के गुणज भी सीख लिए, वर्ग संख्याएं भी देख ली और अभाज्य संख्याएं भी सीख ली और गुब्बारे भी खेल लिए। तो जल्दी से अब इस वर्कशीट को हल कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ।